Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Knowledge Sharing with Ankita Gupta. So today's video is about deadlock avoidance method. Now what is deadlock avoidance? हम पहले के videos में भी पढ़ चुके हैं. Deadlock avoidance का simply मतलब ये है, we are going to ensure that the system will be in a state which is safe, or we can say एक ऐसी state जिसमें कि हम ये ensure कर सकते हैं कि deadlock occur नहीं होगा. So as you can see, the strategy ensures that the system is always in a safe state. Now ये हम करेंगे कैसे? How will this be done or it will be performed? तो इसके लिए मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि वी हैव टू यूज बैंकर्स एल्गोरिदम, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी में भी एज वेल एज प्रैक्टिकल में भी. लेकिन बैंकर्स करने से पहले हमें उसका कंसेप्ट या वो आया कैसे वो समझ के लेना है. तो इसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स सम एडिशनल, सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और वी कैन से इस इन्फॉर्मेशन के बिना डेडलॉक अवॉइडेंस हम इंश्योर नहीं कर सकते. सो दिस रिक्वायर्स सम इन्फॉर्मेशन विच विल बी यूज्ड और ऑन बेसिस ऑफ विच द डिसीजन विल बी मेड और डिसीजन विल बी टेकन वेदर टू ग्रांट अ रिक्वेस्ट मेड बाय अ प्रोसेस और नॉट, सो दैट इट कैन बी नो सेफ स्टेट. तो अल्टीमेटली गोल हमारा क्या है? हमें इंश्योर क्या करना है? सेफ स्टेट. नाउ सेफ स्टेट को इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोसेस का जो रिक्वेस्ट है, हमने पहले के वीडियोस में भी देखा है कि जो प्रोसेस हमेशा जब भी उसको कोई रिसोर्स की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है? उसके लिए एक रिक्वेस्ट करता है. नाउ रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड बाय द सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू डिसाइड वेदर टू ग्रांट दैट रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस और नॉट. तो ये डिसीजन लेना है सिस्टम को. तो अब ये डिसीजन कौन लेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम लेगा. बट वो किस बेसिस पे लेगा? तो किस बेसिस पे लेगा? सो दिस इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड सो दैट वो डिसीजन ले सके. तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? नाउ ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, ये इन्फॉर्मेशन अभी हम यहाँ पे थ्योरेटिकली या कंसेप्चुअली देख रहे हैं. इसी इन्फॉर्मेशन को हम मैथमेटिकली यूज करेंगे बैंकर्स एल्गोरिदम में, या और भी जो हमें अलग अलग चीजें इसमें देखनी है. सो फर्स्ट इज how many resources are required by a process to complete its execution or maximum number of resources. तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि एक प्रोसेस या एक से ज्यादा प्रोसेस, कितने भी प्रोसेस सिस्टम में है, तो जब एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन करता है तो उसको जरूरी नहीं है कि एक ही रिसोर्स की जरूरत हो. ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत हो. तो अगर एक से ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत है तो उनकी भी क्वांटिटी कितनी है, या कितने टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है प्रोसेसेस को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए. तो हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिसोर्स, हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेस बाय रिक्वायर्ड और बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि हर एक प्रोसेस. ओके, सो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट और सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज हाउ मेनी रिसोर्सेज आर करेंटली एलोकेटेड टू दैट प्रोसेस. तो पहला हमने क्या देखा कि उसको टोटल मैक्सिमम कितनी रिक्वायरमेंट है. अब मैक्सिमम के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जब एक प्रोसेस ने एक रिक्वेस्ट की सिस्टम को कि मुझे ये पर्टिकुलर रिसोर्स इतनी क्वांटिटी में चाहिए, या ये पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज एलोकेटेड हो, या जिस रिसोर्स की उसने रिक्वेस्ट की है उसको वो रिसोर्स पहले से था, उसकी कुछ क्वांटिटी थी उसके पास, लेकिन अभी उसकी और क्वांटिटी उसको चाहिए. तो ये भी हमें इन्फॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ रिसोर्सेज विच आर करंटली एलोकेटेड और वी कैन से ऑलरेडी एलोकेटेड टू द प्रोसेसेस. ओके, नाउ थर्ड वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इन विच ऑर्डर विल बी अ प्रोसेस रिक्वेस्टिंग द रिसोर्सेज. ये हम पहले के वीडियोस में भी देख चुके हैं कि अगर वो एक ऑर्डर फॉलो करेगा, कौन? प्रोसेस, कि उसको रिक्वेस्ट किस ऑर्डर में करनी है. जरूरी नहीं है ना कि स्टार्टिंग से ही उसको सारे रिसोर्सेज चाहिए हो. ये भी हो सकता है कि एक टाइम पे उसको एक रिसोर्स चाहिए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको दूसरे रिसोर्स की कुछ क्वांटिटी चाहिए. तो वो जो रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करने वाला है वो उसको किस ऑर्डर में चाहिए, अगर ये इन्फॉर्मेशन होगी, सो इट विल ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर दैट द सिस्टम विल बी इन अ सेफ स्टेट. तो ऑल दीज इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड. ओके, नाउ जो कि मैं आपको बोल रही थी, सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट. तो एक अगर सेफ है तो दूसरी अनसेफ स्टेट होगी. सो लाइक आई हैव डिवाइडेड दिस सिस्टम इनटू टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स, सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट. तो सेफ स्टेट तो हमेशा ये इंश्योर करेगा कि डेडलॉक अक्कर नहीं होगा. लेकिन अनसेफ स्टेट क्या बोलेगा? अनसेफ स्टेट का मतलब ये नहीं है कि डेडलॉक अक्कर होगा ही होगा. इट इज सेइंग इट मे अक्कर, मतलब डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. लेकिन सेफ स्टेट का मतलब है कि डेडलॉक अक्कर नहीं होगा. इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है. इफ अ सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट देन द डेडलॉक विल नॉट अकर एट ऑल, बट इफ इट इज अनसेफ स्टेट द डेडलॉक मे अकर. मे अकर का मतलब यही है, या बात ध्यान रखिएगा, ये
ये थियोरेटिकली आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अनसेफ स्टेट का मतलब ये नहीं है कि डेडलॉक विल ऑलवेज अकर. देर आर चांसेस बिकॉज इट इज एन अनसेफ स्टेट कि डेडलॉक अकर हो सकता है. ओके, सो आफ्टर हैविंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन द सिस्टम इज गोइंग टू एनालाइज द एलोकेशन स्टेट. एलोकेशन स्टेट क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें वो ये देखेगा कि उसको ऑलरेडी या करंटली उसने कितने अपने रिसोर्सेज जो है वो होल्ड किए हुए हैं या उसके पास ऑलरेडी एलोकेटेड है. तो वो ये एनालाइज करेगा एलोकेशन स्टेट को देख के कि ये डिटरमाइन करेगा कि वेदर अगर उसने जो अपकमिंग एक जो प्रोसेस है जो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए या नंबर ऑफ रिसोर्सेज के लिए, वो उसकी रिक्वेस्ट जो है वेदर इट कैन लीड टू अ डेडलॉक इन फ्यूचर और नॉट. ऐसा ये सारा एनालिसिस उसको पहले से करके रखना पड़ेगा सिस्टम को, सो दैट वो ये डिसाइड कर सके कि वेदर जितने भी प्रोसेसेस को अलग अलग टाइप की जो भी रिक्वेस्ट है उनको ग्रांट करना है या नहीं करना है. सो इफ दैट पर्टिकुलर थिंग डज नॉट लीड टू डेडलॉक देन ग्रांटेड. ग्रांटेड का मतलब है कि रिसोर्सेस को उसको दे देना है, अदरवाइज कीप इट पेंडिंग अंटिल दे कैन बी ग्रांटेड. या फिर वो जो रिक्वेस्ट दी की गई है प्रोसेसेस के द्वारा वो क्या करेगा, उसको पेंडिंग रखेगा, वेट करवाता रहेगा जब तक कि उसको ये इंश्योर नहीं हो जाता कि ये एक ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि येस इट कैन बी ग्रांटेड, सो दैट द सिस्टम विल बी इन अ सेफ स्टेट. ऑब्वियसली ग्रांटेड तभी करना है जब सिस्टम ये इंश्योर कर सकता है कि जो अपना सिस्टम है, जो उसका सिस्टम है वो एक सेफ स्टेट में रहे, ना कि अनसेफ स्टेट में. तो हर बार सिस्टम को ये चेक करना पड़ेगा वेदर अ रिक्वेस्ट मेड बाय अ प्रोसेस विल लीड टू द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट और नॉट. ओके, ना इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्रोसेस, अगर मान लो उसने एक पर्टिकुलर प्रोसेस की रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं किया या उसको वेट करवाया, तो इसकी वजह से बहुत लॉन्ग डिले भी हो सकता है कुछ कुछ प्रोसेसेस को उनका पर्टिकुलर रिसोर्स ऑब्टेन करने के लिए. या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हर बार उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से मशीन को सिस्टम को डेडलॉक स्टेट में जाने के चांसेस आ रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट उसकी ग्रांट ही नहीं होगी. सो दिस मे ऑल्सो अकर. नाउ नेक्स्ट वी विल सी वन एग्जांपल आल्सो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए. नाउ इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन रिसोर्सेज हैं ए बी एंड सी. नाउ ए बी एंड सी को मैं अगर बोलती हूँ लाइक एक रिसोर्स है जो कि है प्रोसेसर सीपीयू, दूसरा एक रिसोर्स है जिसको कि हम बोल सकते हैं कि वो प्रिंटर है, तीसरा मेमोरी, या हम कोई भी रिसोर्स को लाइक आपका सीडी ड्राइव या ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स जो कि एक मशीन की जरूरत होती है. तो इसके लिए जो अभी जितना अभी हमने थ्योरी में देखा तो दो प्रोसेसेस हैं जो अभी करंटली सिस्टम में है. ना इन दोनों प्रोसेसेस को इन तीनों टाइप के रिसोर्सेस की कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए. लेकिन सबसे पहले मशीन को क्या एनालाइज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन जो हमने थ्योरी में अभी देखा कि हर एक रिसोर्स की कितनी कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी अवेलेबल है. ओके, सो लाइक ए रिसोर्स दैट इज सीपीयू, सीपीयू की कितनी क्वांटिटी है 5, टोटल इज 5, प्रिंटर की 4 एंड मेमोरी की कितनी है 3. इसका मतलब 5 से ज्यादा तो अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई भी प्रोसेस 5 से ज्यादा की अगर रिक्वेस्ट करता है तो एलोकेट ही नहीं हो सकता उसको. सिमिलरली 4 प्रिंटर की और 3 मेमोरी की, तो उससे ज्यादा एलोकेट हो ही नहीं सकता. तो इसको हम कैसे देखेंगे, लाइक P1 प्रोसेस जो है उसको अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए तीनों रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, और तीनों में भी उसको सीपीयू की 3 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, प्रिंटर की 2 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है और मेमोरी की 3 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है. सिमिलरली P2 को 2 instances of CPU, इसको हम instance भी बोलते हैं, I'm saying quantity, but instead of saying quantity, we can say it as an instance. Instance is a perfect word for number of resources. तो एक resource के 2 instances की जरूरत है CPU की. Then P2 को printer के 3 instances की जरूरत है अपना execution complete करने के लिए, और memory के 1 instance की जरूरत है. So this is how we can analyze. Now इस तरीके की information हमारे पास पहले से होनी चाहिए, इसके अलावा भी एक दो information है that we will see in the banker's algorithm video. फिलहाल के लिए यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रिसोर्स एलोकेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट एंड इन व्हाट ऑर्डर द प्रोसेसेस विल बी गिविंग द रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्स. सो दिस इंफॉर्मेशन इज नीडेड सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द सिस्टम विल बी इन अ डेडलॉक स्टेट और नॉट. ओके, थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, फॉर मोर वीडियोज एंड मोर कंटेंट प्लीज टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नॉलेज शेयरिंग विद अंकिता गुप्ता, एंड प्लीज टू क्लिक ऑन द बेल आइकन गिवन बिलो माई वीडियोज. थैंक यू.